की आंतरिक सुरक्षा में लगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने कोरोना वायरस के खिलाफ भी कमर कस ली है। देश में इस समय चेहरे के लिए मास्क की कमी महसूस की जा रही है, तो CRPF अपने दिल्ली के सेक्टर 7 में अपने कैंप में इन्हें बनाने की मशीनें चालू कर दी हैं। हर रोज यहां उच्च क्वालिटी के 50,000 फेस मास्क तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना संकट को देखते हुए विशेष तौर पर ये मास्क बनाने की मशीन लगाई गई है, जो अभी रोज 50,000 मास्क बना रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये 1,00,000 मास्क रोज बनाएगी और क्वालिटी ऐसी कि बाजार में मिलने वाले मास्क को आसानी से मात दे दे। कारखाने में सर हमारा जवान 24 आवर्स काम कर रहा है, तो ड्यूटी बाई ड्यूटी, तो हमारा एम यही है हम जल्दी से जल्दी बना करके पहले अपना जवान को ये पूरे को पूरा सुरक्षा के लिए कोरोना से लड़ाई के लिए करें। इसके बाद हमारे पास बचने से हम और भी कुछ हेल्थ सर्विस वगैरह दे देंगे, तो इसी में हम 24 आवर्स का एम रख करके काम कर रहे हैं। पहले अपने नॉर्थन सेक्टर है सर, नॉर्थन सेक्टर जोन उनका पहले पूरे करेंगे, इसके बाद हम बाकी जो इसके बाद का मुताबिक देख लेंगे सर। मशीन से धकाधक मास्क बनकर निकल रहे हैं और उनमें बांधने के लिए रस्सियों को लगाकर करीने से तैयार किया जा रहा है, फिर तैयार माल को थैलियों में पैक कर रहे हैं। देखने में भले ही ये फैक्ट्री लगे, लेकिन ये CRPF का कैंप है जहां मास्क बनाने का काम किया जा रहा है।